हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 है यूलर्स थ्योरम पे। इफ़ यू बराबर एक्स इंटू फाई वाई अपॉन एक्स प्लस साई वाई अपॉन एक्स, तो प्रूव दैट करना है एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जो हमें दिया है फंक्शन वो लिख लेते हैं। यू बराबर एक्स इंटू फाई वाई अपॉन एक्स प्लस साई वाई अपॉन एक्स, इसे इक्वेशन वन मान लेते हैं। तो लेट f बराबर x इंटू फाई वाई अपॉन एक्स और g बराबर साई वाई अपॉन एक्स, तो इन दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं। तो u बराबर हमारा आ जाएगा f प्लस g, और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। तो हम लेते हैं इसे फर्स्ट फंक्शन, ये वाला जो f बराबर, तो एफ बराबर एक्स इंटू फाई वाई अपॉन एक्स, तो ये चेक करेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो लिखेंगे एफ एक्स कॉमा वाई बराबर, तो ये एक्स इंटू फाई वाई अपॉन एक्स, तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा एक्स से और वाई को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा वाई से, और इसमें रख देंगे तो इसमें रख देंगे ये जाएगा लेमडा एक्स और ये फाई लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स, ये हो जाएगा लेमडा फाई सॉरी इंटू एक्स फाई वाई अपॉन एक्स, क्योंकि लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो एफ लेमडा एक्स को हमारा लेमडा वाई बराबर, तो लेमडा एफ एक्स कॉमा वाई, तो इससे तो ये हो गया कि जो हमने माना था वो हमारा फंक्शन क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है और जिसके डिग्री या ऑर्डर कितना है वन है। तो लिखेंगे एफ इज ए होमोजीनियस, तो वाई यूलर्स थ्योरम यूलर्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो यूलर्स थ्योरम होती है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू एफ, तो एन की वैल्यू कितनी है वन है, वो यहाँ रख देंगे ये इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। तो थर्ड में एन बराबर कितना रखेंगे वन रखेंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर वन इंटू एफ, तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एफ, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब फोर्थ इक्वेशन क्या है, एक्स के सापेक्ष जो है दोनों और क्या करेंगे पार्शियल डेरिवेट करेंगे एक बार, फिर एक बार वाई के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वी हैव, तो इसमें लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन, तो यह जाएगा एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इससे ये क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस
वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर जीरो। और इसी इक्वेशन मान लेंगे हम फिफ्थ। तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को वाई के सापेक्ष, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग फोर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई वी हैव। तो इसको पुनः करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स डेल स्क्वायर एफ ऑन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का वन इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। इसे किसे मानेंगे हम सिक्स। तो हम इसमें एक्स का गुणा करेंगे और हम इसमें वाई का गुणा करेंगे मल्टी। तो हमने क्या है एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे इस फिफ्थ इक्वेशन और वाई का इसमें करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ फॉर डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ फॉर डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ऑन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। इसे इक्वेशन मान लेंगे हम सेवन क्योंकि हमें इसी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जी बराबर साई वाई अपॉन एक्स। तो इसको भी चेक कर लेते तो जी एक्स को हम वाई बराबर तो हमने रिप्लेस कर दिया एक्स को लेमडा एक्स वाई से लेमडा वाई को तो इस फंक्शन में रख दिया जब वाई है लेमडा वाई जहाँ एक्स है वो लेमडा एक्स पुट कर दिया। तो देखिए क्या आ गया हमें सेम आ गया। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया तो लेमडा की पावर जीरो इंटू जी एक्स को मा वाई। तो जी इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो वाई यूलर्स थ्योरम। तो एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जी अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू जी। तो एन की वैल्यू कितनी है जीरो तो यहाँ रख देते हैं। तो एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जी अपॉन डेल वाई बराबर जीरो इंटू जी बराबर जीरो। तो इस इक्वेशन को हमने मान लिया एट। तो हम इसे पुनः एक्स के सापेक्ष जो है पार्शियल डेरिवेट करेंगे और वाई के सापेक्ष। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो हम इस इक्वेशन को एक्स के सापेक्ष पे पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास आएगा एक्स डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर जीरो। तो अभी इस इक्वेशन को हम वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल एक्स और डेल वाई प्लस का डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का एक इंटू डेल जी अपॉन डेल वाई बराबर जीरो। ये होगी इक्वेशन नंबर दस। अब हम इसमें एक्स का गुणा करेंगे और इसमें वाई का गुणा करेंगे नाइन्थ में एक्स का और टेंथ इक्वेशन में वाई का और दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो हमने नाइन
और नाइन इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई किया, 10 में वाई से मल्टीप्लाई किया और हमने क्या जोड़ दिया, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। तो इसको इस तरीके से एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इनको इनको जोड़ देंगे तो ये जाएगा 2xy डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल जी अपॉन डेल वाई बराबर 0। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 0 फ्रॉम इक्वेशन 8 से। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 0 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 11। तो हम इक्वेशन नंबर 7 लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 7, इन दोनों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 11 एंड 7 वी गेट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ प्लस जी प्लस 2xy डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई और यह आ जाएगा एफ प्लस जी प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ प्लस जी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये एफ प्लस जी की वैल्यू है यू इक्वेशन सेकेंड से। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ यू बराबर एक्स इंटू साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए अब यहाँ पे एक सेकेंड फंक्शन नहीं जोड़ा गया, इससे पहले हमने एक थ्योरम की टाइप का क्या है प्रूफ किया है, वहाँ पे क्या था दो फंक्शन थे, ये वो पहला वाला फंक्शन एफ की तरह है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सॉल्यूशन तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं इस वाली फॉर्म में, तो एक्स साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो टेस्ट कर लेते हैं, ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि यूलर्स थ्योरम हमेशा होमोजीनियस फंक्शन पे ही एप्लीकेबल होती है। तो यू लैम्डा एक्स को हमारा लैम्डा वाई बराबर लैम्डा एक्स साइन इनवर्स लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। तो आ जाएगा लैम्डा एक्स साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो यू लैम्डा एक्स को हमारा लैम्डा वाई बराबर लैम्डा यू एक्स कोमा वाई। तो यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 वाई यूलर्स थ्योरम। तो एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू यू। तो इस इक्वेशन में एन की वैल्यू कितनी होगी,
वन यहाँ से, लेमडा की पावर जो एन होता है वो इधर से आता है। यहाँ पे क्या है, एन बराबर वन है तो यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास आ जाए एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर यू। तो इसे इक्वेशन मान लेंगे हम फर्स्ट। अब इसको ही हम एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे और वाई के सापेक्ष, तो हम कर देते हैं एक्स के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो ये आ जाए एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा तो एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर जीरो। तो इसे इक्वेशन मान लेंगे हम सेकेंड। अपने इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन किया वाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स सॉरी डेल वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। इस इक्वेशन मान लेंगे थर्ड। देखिए सेकेंड इक्वेशन में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसमें वाई का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो हमें मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा उन दोनों को ऐड करने पे तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये हमारी प्रूफ्ड हो गई। क्वेश्चन नंबर 18, इफ यू बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। तो हमें ये सिद्ध करना है इससे, तो सॉल्यूशन तो लिख लेते हैं यू एक्स कॉमा वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो पुट कर देते हैं लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई बराबर साइन इनवर्स लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। तो साइन इनवर्स तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा। तो यू लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई बराबर लैम्डा पावर जीरो और यू एक्स कॉमन वाई, इसको इस तरीके से लिख। तो यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, वाई यूलर्स थ्योरम तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन इंटू यू। तो एन की वैल्यू रख देते हैं जीरो, तो बराबर जीरो इंटू यू बराबर जीरो। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर जीरो। इसे इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसी को ही हम एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेट करेंगे और वाई के सापेक्ष। तो ये फर्स्ट इक्वेशन इसको हम एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डेल यू अपॉन
डेल एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन तरह से ट्रीट करेंगे। तो हमने ये लिख दिया प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर जीरो। तो इसे इक्वेशन नंबर मान लेंगे सेकेंड। तो एक्स डेल स्क्वायर यू और सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर जीरो। अब फर्स्ट इक्वेशन को क्या है वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर जीरो। यहाँ वन और आएगा ये आ जाएगा एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर जीरो। इसी इक्वेशन मान लेंगे थर्ड। इक्वेशन सेकंड में एक्स का मल्टीप्लाई और थर्ड में वाई का मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई टू वाई एक्स एंड थ्री वाई वाई एंड एडिंग वी गेट। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर इस पूरे में एक्स वाई क्या करेंगे और इसमें एक्स का करेंगे अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर जीरो। तो इसको और इसको साथ एक साथ ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर जीरो। तो इसकी वैल्यू ये इक्वेशन फर्स्ट से क्या है जीरो है। तो एक्स स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का जीरो बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।